नमस्कार, आप सबका स्वागत है। हिंदी फिल्मों के ख्यातनाम निर्देशकों में शुमार रमेश सिप्पी ने अपने करियर में सिर्फ 11 फिल्मों का निर्देशन किया और 10 फिल्मों का निर्माण किया। उन्हें इस बात का बेहद अफसोस हो रहा है कि उनकी विनोद खन्ना को लेकर बनाई गई फिल्म 70% पूरी होने के बाद अधूरी रह गई, जिसकी कसक उन्हें आज भी है। अपने समय में बॉलीवुड के दिग्गजों दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, शमी कपूर, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना के साथ काम कर चुके रमेश सिप्पी ने बेहद सोच विचार के बाद विनोद खन्ना को अपनी फिल्म में नायक के तौर पर चुना था। यह एक दौर था जब विनोद खन्ना उषो के आश्रम से लौटकर फिल्मों में सक्रिय हुए थे। 1987 में रमेश सिप्पी ने अपनी इस मल्टी स्टार कास्ट फिल्म को शुरू किया था। इस फिल्म में उस वक्त सभी सुपर सितारे संजय दत्त, रजनीकांत, श्रीदेवी, परेश रावल, अनुपम खेर और माधुरी दीक्षित थे, जिनके चलते इस फिल्म को उन दिनों बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। लेकिन अचानक न जाने ऐसा क्या हो गया कि फाइनेंसरों ने फिल्म से अपने हाथ वापस खींच लिए, जिसके चलते यह फिल्म डिब्बा बंद हो गई। विनोद खन्ना को याद करते हुए रमेश सिप्पी कहते हैं, जमीन की शूटिंग के दौरान मैंने विनोद खन्ना के साथ सेट पर बहुत अच्छा समय बिताया। इसके अतिरिक्त मैंने निजी तौर पर उनके साथ फिल्म शूटिंग के बाहर भी सुनहरे पलों को जिया है। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि उनके साथ बनाई गई फिल्म जमीन अधूरी रह गई।